पाकिस्तान में एक बार फिर से चोर चोर का शोर गूंजने लगा है। कुछ वक्त पहले इमरान खान बतौर प्रधानमंत्री सरकारी तोहफे बेच देने के मामले में दोषी पाए गए थे, लेकिन तब यह बात किसी को पता नहीं थी कि यह सरकारी तोहफे इमरान ने किसको बेचे, किसके जरिए बेचे और इससे कितने पैसे कमाए। इमरान सोच रहे होंगे कि यह मामले लोगों की याददाश्त से धीरे धीरे मिट जाएंगे, लेकिन अचानक से सारा भांडा फूट गया। इमरान खान से करीब 44 करोड़ रुपए में एक नायाब तोहफा खरीदने वाला शख्स अचानक सामने आ गया और सौदेबाजी से लेकर भुगतान तक का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। इस मामले में जांच के आदेश पहले ही हो चुके हैं और अब गवाह भी हैं और सबूत भी, लिहाजा इमरान के जेल जाने का रास्ता भी साफ नजर आने लगा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। खुल गया तोशा खाना का पूरा राज, इमरान बेनकाब। जी बिल्कुल जी, ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है। मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा, जो फ्रॉड है इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट, इनफैक्ट इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। फरागोगी साहिबा की आप बात कर रहे हैं, जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त है। जी बिल्कुल, फरागोगी जी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उस प्रोग्राम को ऐसे बनाया जैसे वाकई ये साचा है। इमरान ने घड़ी किसको बेची, कितने में बेची, मिल गया पूरा हिसाब। मैंने इनसे जाके निगोशिएट किया तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। वो कितने का बेचना चाह रही थी? $4-5 मिलियन की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए थे। अवाम हैरान, घड़ी चोर के भरोसे छोड़ा था पाकिस्तान। जरा सोचिए जरा और शर्म से डूब मरिए। बदकिस्मत है हम लोग जो इसकी बातों पे यकीन करते रहे। ये हमें बड़ी चीजों से ज्यादा दिलवा रहे थे। इमरान खान साहब भी इसी काम के लिए आए थे, तोहफे बेचें। सरकारी खजाने से निकाल कर इमरान ने महंगे महंगे तोहफे बेच डाले थे, ये तो पहले ही साबित हो चुका है। लेकिन उन तोहफों का खरीदार कौन था, सौदा कैसे हुआ, कितने में हुआ, सौदा इमरान ने खुद किया या फिर बेगम बुशरा ने तोहफों की बोली लगाई, ये राज अभी तक पाकिस्तानी अवाम के लिए पर्दे में ही थे। लेकिन एक झटके में सारे राज फाश हो गए। वो शख्स सामने आ गया जिसने शान से वो तमाम महंगे तोहफे अपने घर में सजा रखे हैं। हमारे साथ इस पूरी कहानी के एक ऐसे किरदार मौजूद हैं जिनका दावा है कि उन्होंने इमरान खान को मिलने वाले तोशा खाना के ये कीमती तहाइफ खरीदे, वो कीमती घड़ी और पूरा सेट इस वक्त उनके पास है जो इमरान खान को सऊदी वली अहद ने 2018-19 में तोहफे में दिया था। ये तहाइफ कैसे उमर फारूक जहूर तक पहुंचे और इसकी पूरी कहानी क्या है, इस पर बात करेंगे। खुद उमर फारूक जहूर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिखा सकते हैं कि आपके पास वाकईतन वो घड़ी, पेन, अंगूठी और कफलिंग्स मौजूद हैं? जी जरूर जी बिल्कुल, ये मैंने अपने पास ही रखी हुई है। ये काइंडली अगर आप देख सकते होंगे कैमरा में, तो ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट इनफैक्ट जो मैंने खरीदा था और मेरे पास है जी। मतलब और जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इस घड़ी में खाना काबा बना हुआ है? जी बिल्कुल जी, ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। आप तक ये कैसे पहुंचा? मुझे उन्होंने कॉल किया कि जी हमारे पास एक बड़ी अच्छी, एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फरा आपसे रब्ता करेंगी। फरा से मुराद फरा गोगी साहिबा की आप बात कर रहे हैं, जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त है? जी बिल्कुल, फरा गोगी जी। फिर मैंने इनसे जाके निगोशिएट किया तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। निगोशिएट आपने किया, वो कितने का बेचना चाह रही थी? वो तो जाहिर सी बात है $4-5 मिलियन की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए थे, तो फाइनली उनको पैसे चाहिए थे और उन्होंने डिमांड भी की कि हमें पैसे कैश में चाहिए, तो मैंने फिर $2 मिलियन उनको, जो कि तकरीबन 7.5 मिलियन दिरहम बनता है, वो निकाल के मैंने बैंक से इनको दिया। आप ग्राफ में जाके बेचते हैं तो ग्राफ को आपको अपनी डिटेल्स रजिस्टर करानी होती है कि आपने कहाँ से ख़रीदा है, आप कौन सेलर है, कौन बायर है, एंड ऑब्वियसली वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती होंगी, तो इसलिए उन्होंने मुझसे ये ट्रांजेक्शन की। तो इमरान के सरकारी तोहफों और इनकी सौदेबाजी की पूरी कहानी अब पाकिस्तानियों के सामने साफ हो चुकी है।
बतौर पीएम इमरान को सऊदी अरब से तोहफे मिले। इमरान ने ये तोहफे अपनी पत्नी बुशरा बीबी को सौंप दिए। बुशरा बीबी की खास दोस्त फराग गोगी ने खरीदार तलाशा। खरीदार मिला दुबई में रहने वाला अरब पति उमर फारूक जहूर। जहूर ने $2 मिलियन कैश दिया जो सीधे इमरान की जेब में गया। उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है। मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा और वो इसलिए करूंगा कि मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है जिसका मैं सरबरा हूं, ये वहां भी चलता है। तो उधर मैं अब इनके ऊपर केस करूंगा कि इस ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है अब ये वहां जवाब देंगे क्योंकि हमें बहुत हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत हानम के लिए और नमल के लिए। तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा, इस ये जो शख्स है ये जो फ्रॉड है इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और इनके ऊपर ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको इसलिए अदालत में लेके जाएंगे कि हम साबित करेंगे कि ये इसका इनका जो तौर तरीका है ये जो जियो ग्रुप है ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आजादी सहाफत नहीं है, ये इसको अपने मीडिया ग्रुप को इस्तेमाल करता है। इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है, कभी एक आदमी जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है इन्होंने उसको पूरी तरह उस प्रोग्राम को ऐसे बनाया उस गवाह को कि जैसे वाकई ये साचा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने कल रात को ये खुलासा किया जिसके बाद पाकिस्तान में चारों तरफ इमरान और उनके तोहफों की ही चर्चा है। इमरान के आजादी मार्च में वैसे भी लोगों को नोट बांटकर भीड़ जुटाने की तस्वीरें सामने आ चुकी है। ये खबर देखने के बाद भीड़ जुटाने के लिए कहीं तोशा खाना की सारी कमाई ही ना लुटानी पड़ जाए ये सोचकर इमरान बुरी तरह भड़क गए। उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है। मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा और वो इसलिए करूंगा कि मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है जिसका मैं सरबरा हूं, ये वहां भी चलता है। तो उधर मैं अब इनके ऊपर केस करूंगा कि इस ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है अब ये वहां जवाब देंगे क्योंकि हमें बहुत हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत हानम के लिए और नमल के लिए। तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा, इस ये जो शख्स है ये जो फ्रॉड है इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और इनके ऊपर ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको इसलिए अदालत में लेके जाएंगे कि हम साबित करेंगे कि ये इसका इनका जो तौर तरीका है ये जो जियो ग्रुप है ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आजादी सहाफत नहीं है, ये इसको अपने मीडिया ग्रुप को इस्तेमाल करता है। इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है, कभी एक आदमी जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है इन्होंने उसको पूरी तरह उस प्रोग्राम को ऐसे बनाया उस गवाह को कि जैसे वाकई ये साचा है। इमरान चाहे जितनी सफाई दें चाहे जितने कोर्ट केस की धमकी दें लेकिन पाकिस्तान की अवाम तोशाखाना मामले पर क्या सोचती है ये उस वक्त ही पता चल गया था जब 28 अक्टूबर को वो अपने आजादी मार्च का आगाज करने लाहौर के मस्जिद पहुंचे थे। अब घड़ी चोरी का पूरा खुलासा इमरान की सौदेबाजी और ग्राहक का सच सामने आने के बाद पाकिस्तान के लोगों को सूझ नहीं रहा कि इमरान पर भरोसा करने के लिए अपना सिर धुने या ठहाके मारे। लेकिन उनको ये पैसा दुबई में ही चाहिए था, उनका वो कोई पाकिस्तान नहीं ले जाना चाहती थी, वो पैसा वो दुबई में ही चाहिए था। ये एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है कि आप यहाँ से गिफ्ट बाहर लेकर गए और वहां पर जाके आपने उनको बेच दिया और वहीं पर पैसा रख लिया।
इसकी भी तहकीक होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वो पैसा वापस आया नहीं आया, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि वो पैसा जो कि ताए भेजे थे मैंने, वो बेचकर मैंने सड़क बनवा ली बनीगाला के आगे की, जबकि फिर वहाँ के जो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, उसने कहा नहीं वो सड़क तो हमने बनवाई। अच्छा चलें, बहरहाल एक ये हमारे वज़ीर आज़म थे जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमसाया मुल्क भारत के वज़ीर आज़म हैं, कोई आज तक कोई तोहफा रखा ही नहीं, और जितने भी पैसा था वो सब लड़कियों के स्कूल पर लगा दिया। देखिए, जिसको आप कहते हैं दुश्मन, जिसको आप इतना बुरा भला कह रहे होते हैं और जो एक क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तो ये देख लें, यानी मुसलमान को तो हम ये कहते हैं ना कि उससे बड़ा तो ऑनेस्ट कोई नहीं। हाँ, तो आप ये देखिए कि ऑनेस्टी जो है वो पता चल रहा है कि हिंदू की है एक, और आप जो हैं वो, खैर क्या हम क्या करें इस बारे में। दिलचस्प बात यह है कि इमरान तोशाखाना मामले में फंसने के बाद से ही दावा कर रहे थे कि उन्होंने तोहफे के बदले मिले पैसों से घर के बाहर सड़कें बनवाई हैं, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 44 करोड़ से भी ज्यादा की रकम से उन्होंने घर के बाहर सड़क बनवा ली। नीचे सड़क खराब थी, मुझे कोई गिफ्ट मिली तोशाखाना में पैसे जमा करवा के, जो पैसे बचे मैंने उस पैसे से सड़क ठीक करवाई। मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की। इमरान पर सरकारी तोहफों से कमाई का मामला पहले ही साबित हो चुका है। चुनाव आयोग ने इसी मामले में इमरान पर 5 साल का बैन लगा दिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने इस मामले की आपराधिक जांच का भी आदेश दिया है। जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब सबूत और गवाह भी सामने हैं। तो 1.68 अरब करोड़ रुपए का मुल्क के खजाने को नुकसान हो, तो आपको फिर तैयार तो होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इस केस पर तहकीकात हो रही हैं, मामला अगर अदालत में है, तो आप आकर अपना मौकफ देंगे अगर अदालत आपसे कहती है, ये सबूत सारे के सारे रखेंगे जो आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल जी, मेरे पास घड़ी मौजूद है और उसके सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ऑलरेडी मैं अपने लिए अपने आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि जी मैंने ये खरीदी है और किस कीमत पे मैं खरीदी है, और इसकी जो अप्रेजल है उसको भी मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और आप इंडिपेंडेंटली अप्रेजल कोई भी कराना चाहे तो वो भी बेशक करवा ले, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। तो खान साहब ने भी नहीं बताया कि उन्होंने किसको ये बेची थी, उस शख्स का अभी तक नाम सामने नहीं आया है, तो आप कन्विंस्ड हैं और ये साबित कर देंगे कि ये आप ही पहले बायर हैं इसके? जी बिल्कुल, मेरे पास घड़ी पड़ी हुई है और ये इसका यूनिकनेस ये है कि ये एक ही वाहिद घड़ी है पूरी दुनिया में, और मैंने 2019 में खरीदी थी और सब्सिक्वेंटली तब से मेरे पास ही है। इमरान को लग रहा था कि तोशाखाना का मामला ठंडा पड़ गया, तो शरीफ एंड भुट्टो कंपनी ने इस भट्टी में फिर से इतना कोयला झोंक दिया कि इमरान इसकी तपिश से तिलमिला जाए। वैसे सिर्फ तोशाखाना ही नहीं, पाकिस्तान में इमरान के उन दावों की भी बड़ी चर्चा है जो वो फौज और अमेरिकी साजिश को लेकर रोजाना करते हैं और रोजाना पलटी मारते हैं। इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू के अब तक मुल्की सियासत में चर्चे हैं। इमरान खान ने आवाम को गुमराह किया, कौम को गुमराह किया और झूठ बोला। इमरान खान साहब का ये बात मान लें कि ये साइफर का इशू असल था और उनमें एक यूएस साजिश हुई जिसके पीछे पाकिस्तान के अंदर हैंडलर्स थे, जिसके तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और फिर हुकूमत आई। जिस मुल्क ने साजिश की यानी अमरीका, अमेरिका को उन्होंने कहा मैंने माफ कर दिया, इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी, हम अच्छे तालुकात चाहते हैं। जिन हैंडलर्स के ऊपर वो ये लगाते थे इल्जाम कि जिनकी वजह से जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी वो हर चीज भुला कर बैठने को तैयार हैं अगर वो उनको एक इलेक्शन करवा दे। उन्होंने साजिश करने वाले, साजिश करवाने वाले जो पाकिस्तान में हैंडलर्स थे सबको माफ कर दिया, लेकिन एक जो हुकूमत आ गई बस उसको माफ नहीं करना क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही मामले हैं लीना, कि जब 35 पंक्चर कह कह के इन्होंने एक चीज हैमर इनकी बार बार कहा एक चीज कि धांधली होगी 2013 के इलेक्शन में, और उसके बाद कहा वो सियासी बयान था। आपने किसी के ऊपर किसी शख्स पर इतने सख्त इल्जाम लगाए, बाद में आपने कह दिया वो सियासी बयान था, क्योंकि इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आपके इन बयानात की। कोई पूछने को आपसे ये बात है कि कौन सी साजिश हुई थी? अगर साजिश हुई थी तो फिर आप क्यों अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छा करना चाह रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद जब भी इलेक्शंस होंगे, आपकी हुकूमत आएगी, तो अगर इस झूठे बयानिए की वजह से अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक टाइज ना खराब हो, लेकिन आपने पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज खराब करने की कोशिश की एक झूठे बयानिए से अपनी यहां की लोकल पॉलिटिक्स को चार चांद लगाने के लिए। कानून के राज की दुहाई देने वाले इमरान खुद भ्रष्टाचार के मामलों में गले तक डूबे हैं। फौज से दुश्मनी मोल लेकर उन्होंने अपनी मुसीबतें और बढ़ा ली।
इसी चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आजादी मार्च शुरू किया, लेकिन अब इससे भी कुछ होता नहीं दिख रहा है। इमरान खान ने कहा है कि अफसोस अपने दौर में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर सका। देखो, इमरान दोबारा आ जाए फिर भी कानून की हुक्मरानी कायम नहीं होगी, ये याद रखना। ये अफराद के आने जाने से नहीं होता। सारा मुल्क 75 साल से हमेशा चंद लोगों के गिर्द घूम रहा होता है। कुल्लू के बैल हैं, अवाम आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, घूम रहे हैं, चल रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अ कॉमन मैन, इन लोगों का कोई इशू नहीं। बात सुनो, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये इमरान को कहते जत्था, और जत्थे तो तुम्हारे हैं, वो तो वाहिद आदमी है इस वक्त मुल्क में जिसकी पार्टी है और हर तरफ है। जत्थे तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे 13-14 जत्थे उसने उंगलियों पर नचा रहा है। वो 70 साल उम्र है माशाल्लाह, वो भी टीनेजर है, उसका गुरु भी टीनेजर है। हज़रत साहब, मिस्र में मौसमियाती तब्दीली के मुतालिक COP27 सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है और पाकिस्तानी मीडिया ने इसको इतनी अहमियत दी, हालांकि ये कॉन्फ्रेंस काबिले तवज्जो थी। देखो, ये होती है जो बंदे पढ़े लिखे मच्योर समझदार हों, हमें तो ये लॉन्ग मार्च ये वो इस तरह के छछोरे किस्म के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। इमरान के सामने अब आखिरी उम्मीद ये है कि किसी तरह जल्द चुनाव हो जाएं, लेकिन बिना फौज की रजामंदी के ये हो नहीं सकता, इसीलिए वो नए आर्मी चीफ की नियुक्ति का रट्टा लगाए हुए हैं। ये और बात है कि फौज अब उनकी अपीलों पर कान बंद कर चुकी है। इन दो लोग और खास तौर पर नवाज शरीफ जो बाहर बैठा हुआ है, इतना अहम पोजीशन जो इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए है कि मुल्क का आर्मी चीफ, उसकी तैनाती, ये ना इन ये दो नाहिल हैं इस चीज के लिए, क्योंकि इनके मफादात पाकिस्तान के मफादात से नहीं मिलते। नवाज शरीफ तो बाहर बैठा हुआ है, पैसे बाहर हैं, बच्चों ने बरतानिया पासपोर्ट ले लिया है, इनके बड़े बड़े महलात हैं। कितनी फिक्र होगी इसको पाकिस्तान की कि मैं इतने अहम ओहदे में मेरिट पे फैसला करूं। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए, और लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये बड़ा अहम टाइम है पाकिस्तान में, इसमें फैसले मेरिट पे होने चाहिए और खास तौर पे आर्मी चीफ के। और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। इनको पूरी मदद थी इलेक्शन कमीशन की, इनको पूरी मदद थी स्टेट मशीनरी की, इनको मदद थी एस्टेब्लिशमेंट की, उसके बावजूद ये हार गए। तो आज ये डरे हुए हैं कि अब इलेक्शन में हम कैसे जाएं। इमरान हो या शरीफ या भुट्टो, पाकिस्तान की सियासत में उसी का सिक्का चल पाता है जिसके सिर पर फौज हाथ रख दे। इमरान भी इसी आशीर्वाद के दम पर सत्ता में आए थे और फौज ही उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने पर आमादा है। रही सही कसर उनका तोशाखाना मामला पूरा कर देगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।